वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सब लोग छत पे गए हुए हैं, रोहित जी बच्चे से सब। मेरा घर का काम हो चुका है, वाईफाई वाला आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। इनसे पूछ लूँगा कितने बजे तक आएगा। और आज मुझे बाजार भी जाना है, तो बाजार का चक्कर भी करना है। धूप तो बड़ी मस्त निकल रही है आज। मेरा तो वाईफाई वाला आ गया दिखे, पता नहीं वाईफाई वाला जाने कोई और है। पूछती हूँ, वाईफाई वाला आ गया है? नहीं। अच्छा, ये दूसरे के घर में वाईफाई लग रहा अभी, तो हमारा वाला आधे कितने घंटे में, आधे घंटे में आ रहा है। सदर बाजार भी जाना है यार, जल्दी बुलाओ उसको यार। बच्चे साइकिल लेकर चला रहे यार। भी ने आज चोटी नहीं करी हुई, ढोल रही है अभी। अब आएगा तभी जा पाऊँगी, क्योंकि अनवी को भी साथ लेके जाना है, क्योंकि अनवी की कपड़े लेके आने हैं मुझे, तो अनवी का जाना कंपलसरी है। देखते हैं कितने बजे तक आता है ये बंदा। अच्छे आ गए दोस्तों, ये लोग अभी छत पे धूप खा रहे हैं। मैं तो आ गई, बहुत धूप है आज तो। ये लग गया है, अब बाहर का आउटर लगेगा वाईफाई का। रोहित जी ने नीचे अंदर का तो लगवा दिया, अब बाहर का सिर्फ आउटर लगेगा, आएगा थोड़ी देर में। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और ये अभी शाम के 4-5 बजे तक आएगा। अभी बाहर का सब वो करने, क्या करने आएगा, मॉडम तो मॉडम अभी लगा नहीं है, तो अभी तो वायर लगे अंदर की। मॉडम अभी 4-5 बजे वो दोबारा आएगा। तो अभी मैंने बच्चे छत पे बच्चों को फ़ोन करके बुला लिया है कि नीचे आ जाओ, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं पहले बाजार जाती हूँ, तो अनवी के लिए ड्रेस लानी है, वो आपको 25th को पता चलेगी वो कौन सी ड्रेस है। तो अभी आपके सामने शो नहीं करती, क्योंकि फिर सरप्राइज ही नहीं रहेगा ना, तो सरप्राइज है सब कुछ, तो उसी सरप्राइज के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं आ गई यहाँ सदर बाजार, ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा भैया, कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो जल्दी भेजो भैया। यहाँ पे हो चुका है, चलते हैं यहाँ गुड़गांव में। किसी को भी शॉप से लेना हो तो जैन शॉप से आ जाए, बहुत अच्छा सामान मिलता है। एक बार पसंद आ गई, मैं कहीं और नहीं गई, यहीं पे आ गई। बैठ आ चुके हैं, बैठो। हाँ उतारो जाके। ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। पापा गर्मी लग रही है, इसमें ग्लव्स रखे हैं। ग्लव्स रखे, जब मंदिर गए थे ना नानी के साथ, जब रखे लग गए थे। वाईफाई आ चुका है लग रहा है यहाँ पे। इन भैया कल नहीं आए थे, कल धोखा दे दिया था इन्होंने। क्यों, कौन थे इन भैया ने? यो कह रहे हैं मैं आ जाऊंगा 5 बजे तक आ जाऊंगा, फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हो। हमारी कल छुट्टी थी ना, यहाँ दूसरे बंदे काम कर रहे थे। छुट्टी थी लेकिन आपने तो जवान दे दी थी ना, हमसे बात थोड़ी ना हुई थी। अब किसी से ही बात हुई, उसने तो बोल दिया था ना कल हो जाएगा आपका काम, परसों की बात कर रखी है कल हो जाएगा, तो कल का वेट कर रहे थे हम। तो चलो, तो यहीं पे रख दिया, स्टैंड आएगा जब तब स्टैंड में रखा जाएगा ये। अभी बाजार गए थे, ध्यान में नहीं रही, वरना स्टैंड ले आते हाथ के, लग जाता। चालू हो गया ये, पूछता हूं। अच्छा, 1 घंटे बाद होगा एक्टिवेट, उसके बाद आपके फोन से हुआ ना, फोन पे आएगा मैसेज। अच्छा ठीक है भैया, ओके भैया, थैंक यू। 1 घंटे बाद नेटवर्क आएंगे, इनके पास मैसेज आ जाएगा जब नेटवर्क आ जाएंगे। तो फाइनली कल से मेरी वीडियो टाइम पे अपलोड हो जाएगी। हाय गॉड, बड़ी टेंशन रहती थी अपलोडिंग की। सारा क्रेडिट जाता है हमारे रोहित जी को। ये देखो मैंने खाना बना रखा है, लेकिन इन लोगों को मैगी का चस्का है, पता नहीं कितनी मैगी खाते हैं ये लोग। तो मैं सुबह दोपहर शाम, हाँ दे दो, दे दो, दे दो, मैगी में सुबह दोपहर शाम। अच्छा, तीनों टाइम खा लेते हैं। पेट में जो होती है ना, इससे ये लो ना, ये मसाला पीछे पड़ी है, बहुत सारा उसके अंदर, बहुत सारा ये सब कर देना। वो देखा कहते जी चल इधर करिए, आप दिस लेप पे मेरी, क्योंकि मैगी आ गई, ये लोग तो मैगी खा रहे हैं। हमने मेरे को भूख नहीं लगी, तुम ना खाओ ठीक है, मैं थोड़ी देर लेट जा रही, ठीक है बाबू, ठीक है नी, डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, ठीक है। उठी अब 7 बजे,
और खाना ना मैंने चढ़ा दिया, ये मैंने पट्टी बांध रखी क्योंकि मेरे हो रहा है हेडेक, सर में दर्द हो रहा है। मैं दवाई वाई नहीं खाती, थोड़ी देर ये बांधूंगी ना आधा घंटा ठीक हो जाएगा, सो के उठ के एकदम से हो गया। और रोहित जी यहाँ पे, रोहित जी बना रहे हैं मेरे लिए सूप और यहाँ मेरा हो रहा है खाना तैयार। जी नॉन वेज तो नहीं है ना? हाँ पहले खाना ना तैयार करते और सूप पीते तो इसी लेते सर का दर्द हल्का होगा। ये एमबी की रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं देखते हुए शिवा तो नहीं रही किसी और बच्चे की आवाज थी वो। तो मेरा सूप ये तैयार हो गया है। करो आप क्या निचोड़ोगे क्या से? शेफ की तरीके से बना रहा हूँ इसको। चम्मच धो लो ना एक बार, काफी दिन हो गए यूज करे हुए चम्मच। मैंने जो बनाया था घर में ये वाला बनाया था मैंने। क्या बनाया था? मसाला बना रखा है मैंने। मसाला है जीरा नमक मिक्स कर दिया वो मसाला है। अच्छा बहुत सारे मसाले मिल रहे हैं इसमें, भूनती हो इन सब मसालों को? ऐसे ही बनते हैं, बना लेना आप एक दिन देखेंगे तुम्हारा भी टेस्ट। हद हो गई यार, मतलब मैं एक तो बनाती हूँ अच्छी तैयार रखती हूँ, फिर भी मतलब मुझे ऐसे सुनाओगे? बस करो अब ठंडा करोगे कैसे? पक रहा है वो, पक रहा है, दिमाग खराब है, पका रहा है, भुना भुना है मसाला है। मेरा सूप तो तैयार हो गया है, तो वेजिटेरियन पीत खाते हैं, पीते हैं, पीने वाली चीज है ना सूप है तो नहीं सूप पीते हैं। सर का दर्द ठीक हो जाएगा इससे सूप से और थोड़ी सी गर्माई मिलेगी। लग तो बेकार सर आ यार, ये पियोगी तब तो पता चलेगा। जी क्या बत्तख की तरह करा है बड़ 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 बहुत गंदा है, बहुत गंदा है ना। क्या है ये तो पानी है ऐसा लग रहा है, वो जो चावल का जो पानी मार निकलता है ना चावल का पानी। हाँ वही है वो सा लग रहा है, रेड रेड सा रेड। तुम रहने, तुम वापस दे दो मुझे एक मैं नहीं पी सकती, बहुत गंदा है। इससे अच्छा सूप तो मैं बना दूँ टमाटो का, बहुत टेस्टी बनाती थी शादी से पहले, मैं मक्खन में चौक मार के बनाती थी। कितने साल हो गए शादी हुए हुए? बताओ। मैं अपने शरीर के लिए मेहनत करती थी, अब नहीं होती मेहनत अपने शरीर के लिए, आप लोगों के लिए करती थी ना अब सारी मेहनत, इसलिए अब इसको पी लो आप ही पी, मैं नहीं पी रही इतना गंदा टेस्टी नहीं है। देखो कितना टेस्टी सूप है, कह रही रेड बना रही है उसको गंदा वंदा बहुत ज्यादा। ठीक गाइस ही आ गए, मैं तो खाना बनाऊ अपने चटपटे आलू की सब्जी बनाऊंगी आज बहुत दिन बाद। बनाओ तुम आलू बनाओ, मुझे दे दो ये सूप। हाँ लो तुम सूप लो, मैं पी लूँगा। मेरे को नहीं पीना। वाह शरीर को तरोताजा कर देता है ये। तरोताजा कर देता है। वाह क्या सूप बनाया, वाह मजो ही आ गयो। अपनी एक बार सहारनपुरिया लैंग्वेज में बात करो जरा, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है वहाँ की? अजीब कतई मजा आ गया, कतई ऐसा बन रहा है एक नंबर सा कतई। चार साल अपनी सॉक्स रख देते हैं बालकनी में, मेरी अलमारी फैली पड़ी है, बंद कर अलमारी, दो दो तीन तीन चार चार सॉक्स रख देते हैं और भरी हुई मिल जाएगी इन्हें सुबह है संता। लेकिन ना बंद कर पहले अलमारी, मेरी फैली हुई अलमारी दिख रही है। तुम अच्छे बच्चे तो हो ना, ऐसे कैसे दे देंगे वो गंदे बच्चे, कहना तो मानते नहीं है। ये बड़े सॉक्स ये ज्यादा बड़े लग रहे हैं, रख दो जितनी टांगनी उतनी टांग दो तुम। अपने आप एडजस्ट करते थे सेंटा कैसे? और क्या जल्दी से टांग लो भाई फटाफट से जाओ। एक और सॉक्स दे ऐसी कर लो तुम, हाँ तुम कर लो अब जो टांग लो बाहर ठीक है। तो दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ कमरे में, लेट गए हैं। बहुत सारी बाहर सॉक्स सॉक्स टांग दी है, छह सॉक्स तीन अनवी की तीन मेरी। रोहित ये क्या चबा रहे हो आप हैं, क्या ये मुंह में है,
और कुछ नहीं मिला आपको खाने का है? आपकी बीवी खाना नहीं देती? तो सोने के लिए ही। बच्चों ने बाहर कितनी सॉक्स रखी है, कहाँ रखी है, ये देखो यहाँ सॉक्स टांग रखी है, एक साथ टांग दी है। सेंटा आएंगे, इनकी चीजें रख के जाएंगे। एक्साइटेड है क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम सुबह जल्दी जल्दी उठ के हम चीज देखेंगे। और तुमने क्या क्या मांगा है? सरप्राइज। आप अच्छे बच्चे बनोगे तभी तो मिलेगा, एक दिन अच्छे बच्चे बनने से कोई मिलता है? दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल का देखेंगे इनको क्या मिलता है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत खुश हो रहे हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। खिलौने समेटे थे आपने? अरे वाह मेरी गुड गर्ल, चलो सो जाओ।